टीवाई बी कॉम से एम फाई के अंदर हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, उसके अंदर देखेंगे क्रिएट टेबल का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को, राइट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल बिल हैविंग द फॉलोइंग कॉलम। हमारा टेबल का नाम क्या है? बिल है, इसको मार्क कर लो। हमारा टेबल का नाम बिल है। देखो कॉलम, कॉलम नेम बिल नंबर दिया है और ब्रैकेट के अंदर बी एन नंबर दिया है, स्मॉल इंट दिया है प्राइमरी की, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड क्या दिया है? प्रोडक्ट नेम दिया है, ब्रैकेट ओपन, पी आर नेम, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 15 कॉलम। देखो हमें इस जगह पे है ना, हमें वैल्यू ऐड करना है, इधर हमें वेर क्या लिखना है, क्वांटिटी, तो ब्रैकेट के अंदर है क्या, क्यूटी इंटीजर एंड पॉजिटिव, तो हमें इधर इंटीजर के लिए स्मॉल इट लिखना है, पॉजिटिव के लिए अनसाइन लिखना है, एंड अमाउंट, अमाउंट के लिए क्या लिखना है, एटीएम, 6 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, ए में डेसिमल वाला करना है सॉल्व, और शुड नॉट बी एम्प्टी, तो हमें नॉट ना लिखना है। देखो इसके अंदर जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं कट कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा देखो कॉलम में बिल नंबर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा काम का है, ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा काम का नहीं है, जो हम लोग उसको कट कर देंगे। प्रोडक्ट नेम हमारा काम का नहीं है। अभी देखो क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर है, उसको कट कर दो। अभी देखो अमाउंट हमारे काम का नहीं है, उसको कट कर दो, और ये ब्रैकेट के अंदर ही है। देखेंगे सॉल्यूशन, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूमिंग कर ले। देखो सबसे पहले मेरा टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, बिल, तो इधर मैं लिखूंगा आंसर क्रिएट टेबल, नाम क्या है टेबल का, बिल, बिल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो। अभी देखो फर्स्ट क्या है, कॉलम नेम, कॉलम बिल नंबर, तो अंदर क्या है, बी एन, हमें शॉर्ट वाला काम है, शॉर्ट में लिखा है ना वो हमारा काम का है, स्मॉल इंट, इंट क्या है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, और इधर कॉमा आ जाएगा। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट नेम, ये हमारे काम का नहीं है, अंदर ब्रैकेट वाला हमारे काम का है, शॉर्ट फॉर्म वाला, पी आर नेम, पी आर नेम, नेम, और क्या है, देखो कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 15 कॉलम। अब देखो इसके जगह पे हमें वेर कैर लिखना है, वेर कैर कितना है, 15, इधर कॉमा आ जाएगा, ये हो गया। अभी देखो क्या बोला है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये हमारे काम का है, ब्रैकेट के अंदर वाला शॉर्ट फॉर्म वाला हमारा काम का है, तो क्यू क्यू टी वाई, क्यू टी वाई। अभी देखो इंटीजर एंड पॉजिटिव, इंटीजर, इंटीजर की जगह पे हमें क्या, स्मॉल इंट लिखना है, स्मॉल इंट, और देखो पॉजिटिव की जगह पे हमें अनसाइन लिखना है, अनसाइन, अनसाइन, और इधर कॉमा आ जाएगा, ये हो गया। अभी क्या बोला है देखो, एंड अमाउंट, अमाउंट के अंदर हमें शॉर्ट फॉर्म वाला काम का है, एटीएम, एटीएम। अभी क्या बोला है देखो, 6 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, तो इसको कैसे सॉल्व करने का है, डेसिमल लिखने का, इधर डेसिमल, डेसिमल, ब्रैकेट ओपन। अब देखो ए 6 और 2, तो 6 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 8, 8, 2, ए 6 के अंदर 2 ऐड कर दिया और इधर लिख दिया, और 2 हेजिटेज लिख दिया, हेजिट लिख दिया। अभी क्या बोला, ये इतना हो गया। अभी क्या बोला है, शुड नॉट बी एम्प्टी, शुड नॉट बी एम्प्टी रहेगा ना, तो हमें नॉट नल लिखना है, नॉट नल, नल, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में इधर सेमी कोलन दे दो, आंसर आ गया हमारा। देखो खाली इतना ही करना है आपको, 8 मार्क आराम से मिल जाएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन है ये, आराम से मिल जाएगा। हमें खाली क्या रहेगा, टेबल नाम लिखना है,
टेबल का नाम लिखना है, उसके अंदर हमें कि ये अंदर उसके अंदर पांच छह इन्फॉर्मेशन दिया है वो अच्छे से लिखना है, और दो तीन जगह पे खाली वर्ड ऐड करना है। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बताया कि हमें 10 या 10 वर्ड याद करने हैं, कोई भी आपको क्रिएट टेबल का क्वेश्चन रहेगा तो वो 10 में से ही सबका आंसर है। इसमें भी देखो वही 10 में से बन गया आंसर।